Grish. Hey guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you're doing absolutely fine. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हमारे पास है Benelli 600i as you can see. And आज के वीडियो में कुछ बातें करेंगे इसके ओनर से कि वो इस बाइक के बारे में कैसा फील करते हैं, क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए, क्या इसके मीन्स इस बाइक के फीचर्स के साथ सारी बातें डिस्कस करेंगे इसके ओनर्स के साथ. क्या है इस बाइक की माइलेज जिसके लिए मैं मीन्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, मैं बहुत उत्सुक था इस बाइक की माइलेज जानने के लिए. सो आज की वीडियो में बहुत सारी बातें डिस्कस होने वाली. सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें. ऑल्सो इस टाइप के वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. हियर वी गो. तो दोस्तों अब आपको मिले थे इस बाइक के ओनर से, ही इज करण राजपूत. एंड करण कैसे हो? एकदम बढ़िया. आप कैसे हो अनिल भाई? एकदम बढ़िया. दोस्तों अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आप इनको जानते होंगे. हमने इसका KTM RC 200 का ओनरशिप रिव्यू किया था. सो यू माइट बी नोइंग हिम. सो अभी इन्होंने KTM से अपडेट करके Benelli ले ली है. सो करण कैसा लग रहा है अभी आपको Benelli में? एकदम मजा आ रहा है, बहुत मस्त है. आई ऑल्सो थिंक यू मीन्स डेफिनेटली इसका जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा ही रहा होगा आपको. दोस्तों ऑल्सो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अराउंड 6 months हो चुके हैं इनको ये बाइक मीन्स चलाते हुए. सो आज के वीडियो में इनका थोड़ा हम एक्सपीरियंस लेंगे, बातें करेंगे इस बाइक के बारे में. सो करण हम बात करते हैं कि आपने KTM से Benelli, तो ये काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा अपडेट है. सो मीन्स क्या रीज़न है Benelli लेने का? क्योंकि हम देखने जाए तो काफ़ी बाइक्स अवेलेबल है ये सेगमेंट में, तो देन वाई Benelli? क्योंकि इसका है ना जो लुक है बहुत मस्त है और पूरा हेवी लुक है इसका. हाँ. और सबसे ज्यादा पसंद है मुझे इसकी फायरिंग. ओह ये ऑसम फायरिंग है. क्या बात है. मींस आपको मींस एग्जॉस्ट इसका काफी ज्यादा लाउड एग्जॉस्ट आपको आई थिंक पसंद है. बहुत ज्यादा लाउड दोस्तों. बहुत मस्त. हाँ. और स्वीट फायरिंग है इसकी. हाँ, ये बात तो है. दोस्तों इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो काफी ज्यादा अमेजिंग. मैं अभी आपको सुनाता हूँ, आप सुनिए, आपको काफी मजा आएगा. करण अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसको सुनने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, माइलेज. जब भी मैं कोई सुपर बाइक को देखता हूँ सो आई ऑलवेज फील कि भाई इसकी कितनी माइलेज होगी. सो करण आपको पता है कि आप इतने टाइम से ओन कर रहे हो, तो इसकी जो माइलेज है वो हम बताइए कितनी माइलेज है इस बाइक की. माइलेज है 12 से 14 की. क्या बात कर रहे हो, 12 to 14 किलोमीटर पर लीटर. बट दोस्तों इट इज अ 600cc स्पोर्ट्स बाइक, सो वी कांट एक्सपेक्ट मच माइलेज इन दिस बाइक. ऑल्सो 12 to 14 ये महंगाई के जमाने में क्या मीन ठीक है आपके हिसाब से? बराबर है. स्पोर्ट्स बाइक लेनी हो तो फिर माइलेज का तो हमें इग्नोर करना पड़ता है माइलेज को. ये बात सही है. ऑल्सो करण हमें ये बताइए कि ये बाइक है सिटी के लिए सही है? आई मीन सिटी में ये बाइक आपको कैसी लगती है चलाने में? एकदम मजा आता है सिटी में, तो बहुत मजा आता है जो पब्लिक का रिएक्शन मिलता है. पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं. क्या बात है, मीन्स लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं. एंड ये थोड़ी बहुत हैवी बाइक है, सो ऐसा आपको फील होता है सिटी में कि कहीं मींस बहुत हैवी लग रहा है या 600cc की बाइक है? नहीं. ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको आई सिटी में? नहीं, मेरे को कुछ नहीं आई अभी तक तो. ओके दैट्स ग्रेट. सो करण अब बात करते हैं इस बाइक के पावर एंड पिकअप के बारे में. आई बेट की मीन्स 600cc की बाइक के पावर तो काफी बढ़िया ही होगा. एकदम बढ़िया है क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 225 है. ओहो. लेकिन आज तक मैंने चलाई है 125, उसके ऊपर नहीं गया. ओहो. और 125 मींस कितने गियर में, 100 तक कितने गियर में पहुंच जाती है? थर्ड गियर में मैंने पहुंची. क्या बात करो, थर्ड गियर में 125. दोस्तों वी कैन एक्सपेक्ट कि 6th gear में ये कितनी आगे तक जा सकती होगी. सो मींस आप ओवर स्पीड में नहीं जा सकते क्योंकि बहुत स्पीड में नहीं चलानी चाहिए, आगे ट्रैफिक रहती है और खुद की सेफ्टी जरूरी है. सेफ्टी इज द फर्स्ट कंसर्न. ऑल्सो करण हम बात करते हैं कि अगर हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं उनको किसी को अपनी बाइक अपग्रेड करनी है, फॉर एग्जांपल उनके पास कोई भी बाइक है, तो वो उनमें से Benelli के ऊपर जा सकते हैं या नहीं? आप रिकमेंड करोगे उनको या नहीं? ऑफ कोर्स करूंगा क्योंकि इसका हेवी लुक है और इसका जो एग्जॉस्ट है जो स्वीट वाली फायरिंग देती है, इसकी जो फायरिंग है बहुत ऑसम है और फायरिंग का जो दीवाने थे वो बिल्कुल ले सकते हैं. हाँ. दोस्तों हमने आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड तो सुना दिया पहले ही, आपको पता है कितने अच्छी एग्जॉस्ट है. सो इफ यू आर कंसर्न विद द एग्जॉस्ट देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बाइक. तो करण रियली थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया और आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे व्यूअर के साथ शेयर किया. एंड आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो मींस पूरा अच्छा लगा होगा, आपको मजा आएगा इस वीडियो देखने में. करण रियली थैंक यू सो मच. अरे अनिल भाई वेलकम. और आपके लिए कभी भी एनी टाइम आप कभी भी बुलाओ. हाँ, हमारे वो तो है. थैंक यू, रियली थैंक यू सो मच.
दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को बस यहाँ पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। इस टाइप के वीडियोस देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते अगले वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर एंड राइड सेफ।